गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग ड्यूर्स। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम रेडी कर रहे हैं यूफोर्बिया मिली की कटिंग। ये देखिए, तो जब तक अच्छे से सर्दी स्टार्ट होती है उससे पहले ही हमें ये रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना भी आप यूफोर्बिया मिली देख रहे हैं गाइस, ये सारा का सारा ऑफिस में जाने वाला है। तो हम बताते हैं आपको कि कैसे इसको रेडी करना है हमें। और जो ये मिट्टी है गाइस, आप कोई किसी भी तरीके की मिट्टी ले सकते हैं। यूफोर्बिया मिली में कोई भी मिट्टी बड़े ही आराम से चल जाती है। इसमें सैंड है और थोड़ी सी इसमें हमने कोकोपीट ऐड करी है और गार्डन सोयल है गाइस। तो आप इस तरीके से जो बैग्स हैं इनमें मिट्टी भर लीजिए। और गाइस, आप खास ख्याल रखिएगा कि जब भी आप कोई भी कटिंग रेडी करते हैं तो कटिंग का जो साइज़ होता है वो 4 से 5 इंच ही होना चाहिए। हम पहले इसके जो ये कांटे हैं वो निकाल देते हैं, वरना तो ये हाथ में लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बना रहता है। और जब ये हाथ में लगते हैं ना गाइस, तो बस पूछो मत कि कितना ज़्यादा पेन करते हैं ये। तो इसीलिए इनको इस तरीके से आप कट ज़रूर करिए। एक तो आपको पकड़ने में आसानी होगी गाइस, और दूसरा आप इतने भयानक कांटे से भी बचे रहेंगे। ये देखिए गाइस, बिल्कुल ही हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हमारे हाथ में कोई भी कांटा नहीं लगेगा। और आप ये भी मत सोचिए कि हमने कांटे निकाल दिए तो ये ग्रो होगा या नहीं होगा, बड़ी ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। मैंने ग्रो करा हुआ है तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसी तरीके से पहले हम सभी के जो जितने भी हमारे प्लांट हैं हम सभी के कांटे निकाल लेते हैं गाइस। क्योंकि फिर कटिंग लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाती है। गाइस, जब भी आप कहीं से कटिंग लेके आओ या आपको शौक है कांटे वाले प्लांट लगाने का, क्योंकि इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कांटे तो इसमें ज़रूर हैं और कांटे भी इसके बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण जिसे कहते हैं वो है, और ऊपर से इसमें दूध भी निकलता है। तो अगर आपको ये प्लांट पसंद है और इसके फूल आपको पसंद है, अगर आप लेके आएँ तो जब आप कटिंग लेके आएँ तो इसको 2-3 दिन के लिए धूप में रख दें। धूप में ना भी रखें लेकिन किसी छाया में ही रख दें बेशक, क्योंकि जो यहाँ से इसका दूध निकलता है उसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये कटिंग अच्छे से चलती है। ये देखिए गाइस, कितना अच्छे से हमने सारे कांटे इसके निकाल दिए हैं। अब इसको लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, गाइस ये देखिए, ये हमने कटिंग रेडी कर ली है। अभी कुछ बाकी हैं, पहले हम इन्हें रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, सभी के कांटे हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं।
और ये देखिए गाइज, ये छोटी सी कटिंग है, इस पे ये फ्लावर देख सकते हैं आप, ये फ्लावर ही है, अभी बिल्कुल छोटा सा है, ये देखिए। तो आपने किस तरीके से ये कटिंग लगानी है गाइज, ये देखिए। आपने इस तरीके से इसको कट कर लेना है और फिर ये है एलोवेरा। वैसे तो अगर आप इसको बिना एलोवेरा या बिना रूटिंग हार्मोन के भी लगाएंगे तब भी ये कटिंग आपकी चल जाएगी। ये देखिए, और इस तरीके से आपने ये कटिंग ऐसे लगा देनी। कोशिश करिए कि कटिंग 4 या 5 इंच की हो, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लगाते हैं, फिर उसमें दिक्कत आती है। देखिए अच्छे से दबा दीजिए ताकि जो हवा है वो इस तक ना पहुंचे जड़ तक, और ना ही कटिंग हिले, क्योंकि अगर कटिंग ज़्यादा हिलती है तो फिर जो रूट्स हैं वो बनने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसी तरीके से हम अपनी सभी कटिंग लगा देंगे। और गाइस, जब भी आप कटिंग लगाएं तो आप इसको शेडी एरिया में ही रखें। और ऐसे स्थान पे रखिए जहां आप इसको बार बार हिलाइए मत। अगर आप इसको बार बार हिलाते रहेंगे, इधर उधर शिफ्ट करते रहेंगे, तो भी कटिंग में फिर प्रॉब्लम आती है। फिर आप लोग सोचते हैं कि कटिंग हुई नहीं है या क्या दिक्कत आ गई है कटिंग में। कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है गाइस कि अगर उसको बार बार हिलाएंगे या अच्छे से कटिंग नहीं करी होगी आपने, या उसका टाइम नहीं होगा। अब तो कटिंग लगने का टाइम अच्छे से है, और यूफोरबिया मिली तो आप चाहे किसी भी मौसम में लगा दीजिए। वैसे बेस्ट टाइम तो इसका यही है, और जो जनवरी फरवरी का जो टाइम है उसमें भी कटिंग बहुत अच्छी चलती है। बेस्ट टाइम तो वही है, लेकिन ये भी अच्छे से चलेंगी।
और यूफोर्बिया को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तभी इसमें फूल आएंगे, अगर आपने इसको छांव में रख दिया तो बिल्कुल भी इस पे फ्लावर नहीं आएगा, बल्कि कांटे जो है बढ़ते चले जाएंगे इसके। तो इसीलिए आप इसको सिर्फ धूप में ही रखिए। आजकल तो बहुत सारी भी जो वैरायटीज हैं वो नर्सरी में अवेलेबल है इसकी, यूफोर्बिया मिली की। ये देखिए गाइस, ये हमने लगा के कंप्लीट कर ली है। अभी पूरी जो पूरे प्लांट है वो हमने अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, कुछ लगा दिए हैं, कुछ हम अभी बाद में देखेंगे इनको। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये 20 दिन पहले लगाया था कटिंग, तो अब हम देखते हैं कि इसकी रूट्स कितनी बनी है, ये 20 दिन का रिजल्ट क्या आया है इसमें वो हम चेक करते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, ये इसका 20 दिन का रिजल्ट है, रूट्स अच्छे से बन गई हैं। तो यानी कि इसको प्रॉपर अच्छे से रेडी होने में 1.5-2 महीने आराम से लग जाएंगे। तो ये जब अगर ये 20 दिन का रिजल्ट है तो हमें इसको 1.5-2 महीना ऐसे ही लगा रहने देंगे हम, अभी इसको शिफ्ट नहीं करेंगे किसी भी बड़े पॉट में। चलिए गाइस, अगर आपको आज की वीडियो और आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।